हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास एंड आई एम डीएल कुमार। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो आपने अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो अपन यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन पुष्पीय पादपों की आकारिकी। हम डिस्कस कर रहे हैं पुष्पीय पादपों की आकारिकी, और इसमें हम लीफ मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने लीफ का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम लीफ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। देखिए, एक प्रारूपिक लीफ की अगर अपन बात करें, एक टिपिकल लीफ की अपन बात करें, तो उसके तीन मेन पार्ट, तीन मुख्य भाग है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है लीफ बेस, या इसे टर्मिनल वर्ड के रूप में हाइपोपोडियम अपन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में पर्ण या पर्णाधार कहते हैं। सेकंड पार्ट जो आप ये देख रहे हो, ये पर्णाधार है। सेकंड पार्ट जिसे पीटियोल या मिसोपोडियम कहते हैं, और इसे हिंदी में हम पर्ण व्रंत कहते हैं, पर्ण व्रंत। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पीटियोल है और ये लीफ बेस है जो सबसे नीचे वाला है। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लीफ लेमिना, या इसे अपन एपिपोडियम कहते हैं, या हिंदी में इसे पर्ण फलक कहते हैं, पर्ण फलक। ठीक है, ये तीन पार्ट अपन बात करेंगे। आप ये देख रहे हो लीफ का डायग्राम, जिसमें अपन एक एक पार्ट को लेते हुए बात करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर एक, जिसे हम कहते हैं लीफ बेस। देखिए, नाम से पता लग रहा है लीफ बेस या हाइपोपोडियम भी अपन कहते हैं, से हाइपोपोडियम। हाइपो मीन्स सबसे नीचे, पोडियम मीन्स यानी नीचे वाला पार्ट है, लीफ से लिया गया है। और ये देखिए स्टेम अपन देख रहे हैं लीफ पे, ये जो ब्लैक रंग का आपको दिख रहा है ये स्टेम है, ये आप रेड कलर की जो देख रहे हो ये नोड है, और नोड की लैटरल ग्रोथ या आउट ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, लीफ डेवलप होती है वहीं से। तो देखिए, यहाँ इस नोड से लीफ का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और इसमें यहाँ पर ये एक पर्ण सदृश रचना पाई जाती है जिसे स्टिप्यूल अपन कहते हैं, और यहीं पर एक कक्षस्थ या एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है जिससे ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। तो लीफ का सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसे अपन हाइपोपोडियम या लीफ बेस कहते हैं, और इसी के द्वारा लीफ जो है वो तने से जुड़ी रहती है। तो सबसे पहली बात अपन यहां बात करें कि यह पर्ण का प्रथम भाग है जो सबसे नीचे उपस्थित होता है। और देखिए, पर्ण और तने को आपस में जोड़े रखने का कार्य इसी द्वारा होता है। तो यह पर्ण को तने की पर्व तने की पर्व संधि पर जोड़े रखता है।
तो ये पारो संधि पर जोड़े रखता है। और आप देख रहे हो ये जो भाग है ये यहां से, ये जो भाग आप देख रहे हो ये कौन सा है भी, पर्ण आधार वाला भाग है, जो मोटा फूला हुआ भाग देख रहे हो ये वाला भाग पर्ण आधार भाग है। और ये अलग अलग पादपों की पत्तियों में इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। कुछ पादपों में ये मोटा फूला हुआ होता है तो कुछ पादपों में ये एक तरीके से आच्छिद तने को ढके हुए रखता है। तो अगर अपन बात करें द्विबीजपत्री पादपों में, तो द्विबीजपत्री पादपों में ये फूला हुआ मोटा गांठ नुमा होता है। तो द्विबीजपत्री पादपों में यह मोटा फूला हुआ गांठ के समान होता है। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों की बात करें तो एक बीजपत्री पादपों में यह एक बीजपत्री पादपों में यह पतला चौड़ा परोसंधि को आंशिक या पूर्ण रूप से ढका रखता है। तो आच्छादित इस तरीके के पर्ण, तो जो एक बीजपत्री पादप है उनकी जो पर्ण आधार है उसे आच्छादी पर्ण आधार कहते हैं। तो इस अवस्था को अपन आच्छादी पर्णाधार कहते हैं, जो उसको तने को ढके हुए रखता है। अब देखिए, यदि किसी पर्ण पर अनुपर्ण उपस्थित है तो उसे अनुपर्णीय स्टिपलेट पर्ण कहते हैं, और अगर अनुपर्ण नहीं है तो उसे अनुपर्णहीन पर्ण कहते हैं। तो यदि अनुपर्ण युक्त पर्ण को यदि या अनुपर्ण युक्त पर्ण को यदि को हटा दें, अनुपर्ण युक्त पर्ण को क्या कहते हैं, अनुपर्ण युक्त पर्ण को अनुपर्णी पर्ण कहा जाता है। और यदि अपन बात करें अनुपर्ण रहित पर्ण को क्या कहते हैं भी, अनुपर्णी या अनुपर्णहीन पर्ण कहते हैं। तो ये था भी पर्ण आधार। तो देखिए, अपन देखें वापस डायग्राम में, ये तने की परोसंधि है और इस परोसंधि से पर्ण का विकास हुआ है, और ये पर्ण आधार है। ये जो भाग देख रहे हो आप, ये पर्ण आधार भाग है और इसमें ये अनुपर्ण उपस्थित है और यहीं पर ये एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। इस कोण को हम पर्ण या कक्ष कोण कहते हैं। ये कक्ष कोण है, कक्ष कोण, और कक्ष कोण पर उपस्थित पर्ण को बड को हम या कलिका को हम कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी बड कहते हैं। और यहाँ दो पर्ण सदृश रचना पाई जाती है जिसे अनुपर्ण कहते हैं। तो एक बीजपत्री पाद में मोटा मांसल गांठ नुमा पर्ण आधार होता है, जबकि द्विबीजपत्री पाद एक बीजपत्री पादपों में पतला होगा और वो परोसंधि को ढके हुए रहेगा, जिसे अपन आच्छादी क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं।
सेकंड टाइप अपन बात करें, इसका सेकंड जो प्रकार भाग है लीफ का वो क्या है भाई, तो वो अपन बात करें नंबर दो, और वो है पर्णवृंत, या इसे हम पीटियोल कहते हैं, पीटियोल, या इसे हम मिजोपोडियम कहते हैं, मिजोपोडियम। और देखिए ये एक डंठलनुमा रचना है, मैं वापस डायग्राम में आपको लेके चलूं, तो यहां पर्ण आधार और ये जो लीफ देख रहे हो, ये जो लेमिना देख रहे हो, इन दोनों के बीच यहां से यहां तक का जो भाग है ये पर्णवृंत है। ये एक तरीके से डंठलनुमा रचना है और ये पर्णफलक को तने पर बनाए रखता है, इन दोनों के बीच में संबंध बना के रखता है, और कुछ पादपों की पत्तियों में पर्णवृंत उपस्थित होता है और किसी में नहीं भी होता है। पर्णवृंत जो है पत्तियों को प्रकाश की सही स्थिति में बनाए रखने में सहायता करता है। तो चलिए अपन बात करते हैं इसकी। तो देखिए यह एक बेलनाकार वृंत या डंठल नुमा रचना है, और पर्णफलक और जो पर्ण आधार है उन दोनों के बीच संबंध बनाता है। तो यह पर्णाधार व पर्ण फलक को आपस में जोड़ता है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। इसके अगर रचना अपन देखें तो ये तने के समान है, तो इसकी संरचना तने के समान है। देखिए पर्ण वृंत पर्ण फलक को तने से दूर करके पर्ण को प्रकाश की स्थिति में बनाए रखता है। तो प्रकाश की पर्ण फलक को प्रकाश की सही स्थिति में बनाए रखने के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने देखा होगा पीपल में, बरगद में बड़ा पर्णवृंत होता है, जिससे पीपल की पत्तियां आसानी से जो है हिलती डुलती रहती है और उनको सही प्रकाश मिलता रहता है। देखिए पर्ण वृंत युक्त पर्ण को हम क्या कहते हैं भी, वृंत पर्ण वृंत युक्त पर्ण को हम पर्ण वृंत युक्त पर्ण कहते हैं, तो या उसे सवृंत अपन कहते हैं। तो पर्ण वृंत युक्त पर्ण को सवृंत पर्ण कहा जाता है, पर्ण कहा जाता है। जैसे पीपल, बरगद, इनमें पर्णवृंत होता है, ऐसी पर्ण को अपन सवृंत पर्ण कहते हैं। और पर्ण वृंत रहित पर्ण को अवृंत पर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे
घास, धान, बांस, ये एक बीजपत्री पादप है, उनमें ये परागण नहीं होता। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट अपन बात करें परण की संरचना का, थर्ड पार्ट है अपना, तो थर्ड पार्ट अपन बात करें बेटा, और थर्ड पार्ट क्या है, वो है लीफ, लेमिना, या इसे हम एपी पोडियम या परण परण फलक कहते हैं, परण फलक जिसे अपन कहते हैं। देखिए अपन बात करता, यह पर्ण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अपन बात करें लीफ में, जैसे कि अपन ने लीफ की स्ट्रक्चर देखी, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, यहां से ये जो पार्ट अपन देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा यहां से, ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा पार्ट कौन सा है, भी पर्ण फलक वाला पार्ट है, और ये चौड़ा चपटा ग्रीन कलर का है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं इस भाग की। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और यह चौड़ा चपटा फैला हुआ होता है, यह हरे रंग का होता है, यह प्रकाश संश्लेषण करता है, इसे हम एपिपोडियम भी कहते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषी भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और देखिए इसमें जो परण फलक है, इसमें मध्य सिरा पार्श्व सिरा व सिरिकाएं पाई जाती है, और ये मिलकर सिरा विन्यास बनाती है पर्ण फलक में, मध्य सिरा, पार्श्व सिरा और सिरिकाएं। देखिए मैं आपको बता दूं, अपन पर्ण फलक देखें वापस, तो देखिए ये मध्य सिरा आप देख रहे हो, ये मध्य सिरा है, ये अपन जो देख रहे हैं ये पूरी मध्य सिरा है, ये मध्य सिरा है, ये पार्श्व सिरा है, ये पार्श्व सिरा है, और ये सिरिकाएं हैं। तो देखो मैंने लिख रखा है मिड रिब और वेन्स, ये है। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाती है, सिरा विन्यास बनाती है, तो ये उपस्थित होती है। नेक्स्ट अपन बात करें पर्ण फलक के किनारों को पर्ण फलक कोर कहते हैं, जिसके अनेक प्रकार हो सकते हैं, तो पर्ण फलक के जो किनारे हैं उन्हें, और पर्ण फलक के ऊपरी शीर्ष को पर्ण शिखाग्र या इसे अपन लीफ एपेक्स, लीफ एपेक्स के नाम से जानते हैं, और इसे पर्ण फलक को लीफ मार्जिन कहते हैं। तो इस तरीके से अपन देखें इस भाग को, तीनों पार्टों को बात करें, तो ये हो गई मध्य सिरा, और ये हो गई इनमें पाद सिरा और सिरिकाएं जो मिलकर सिरा विन्यास बनाती है, और जो पर्ण फलक का ये जो आप देख रहे हो, ये पर्ण फलक मार्जिन के रूप में जानते हैं इसे, जिसे पर्ण फलक कोर अपन कहते हैं,
और ये जो टर्मिनल पार्ट है इसे लीफ एक्सिस अपन कहते हैं। तो ये थी अपने लीफ की बाह्य संरचना जो एक तीन पार्टों से मिलकर बनी है, जिसे हम हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम और एपिपोडियम कहते हैं। और जो एपिपोडियम है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसी में प्रकाश संश्लेषण और भोजन का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।